कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत करने वाला आरोपी अब फांसी देने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और पूछताछ के दौरान कहा, हाँ मैंने अपराध किया है, मुझे फांसी दे दो। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी संजय रॉय में लंबे समय से मारपीट करने की प्रवृत्ति थी। पूछताछ में उसने अपनी माँ, बहन और पत्नी पर भी हमले की बात कबूल की है। कोलकाता पुलिस ने पीड़ित और आरोपी दोनों के दो मोबाइल फोन जब्त किए हैं और जल्द ही आरोपी के फोन से डेटा निकालने की प्रक्रिया चल रही है। आरजी कर अस्पताल से सीसीटीवी फुटेज जांच के लिए जुटाई गई है। अधिकारियों ने ना सिर्फ डॉक्टरों सहित अस्पताल के कर्मचारियों से पूछताछ की है बल्कि तैनात 5 पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ की ताकि अपराध के संबंध में कोई भी जरूरी जानकारी जुटाई जा सके। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस की जांच कर रही एसआईटी को मजबूत किया गया है। कोलकाता पुलिस द्वारा गठित इस विशेष जांच दल की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए एक तेज तरार आईपीएस ऑफिसर को शामिल किया गया है। सूत्रों के मुताबिक डीसीपी रैंक के आईपीएस अमित वर्मा 8 सदस्य एसआईटी में अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। कोलकाता पुलिस ने एसआईटी की सहायता के लिए एक शिफ्ट में 15 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का दावा है कि एसआईटी 24 घंटे काम कर रही है। एक दिन में 3 शिफ्ट में जांच का काम चल रहा है। इसके साथ ही आरजी कर मेडिकल कॉलेज के चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड और सहायक सुपरिटेंडेंट को कोलकाता पुलिस के जासूसी विभाग ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों का कहना है कि चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के सहायक सुपरिटेंडेंट ने सबसे पहले पीड़िता के परिवार को फ़ोन किया। उन्हें उनको बताया कि पीड़िता ने अस्पताल में आत्महत्या कर ली है। अब दोनों को मंगलवार की सुबह 11 बजे कोलकाता पुलिस मुख्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। इससे पहले मेडिकल कॉलेज के इंटर्न, हाउस स्टाफ, पीजीटी सहित 7 जूनियर डॉक्टर को बुलाकर पूछताछ की गई। पुलिस सूत्रों का दावा यह है कि सभी लोग उस रात ड्यूटी पर थे जब सेमिनार हॉल में पीड़िता के साथ बलात्कार और हत्या हुई थी। इनमें से 4 लोगों ने पीड़िता के साथ खाना भी खाया था। कोलकाता पुलिस जल्द ही मेडिकल कॉलेज के कुछ और डॉक्टरों को बुलाएगी। इससे पहले पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने रविवार को दूसरी बार मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, वहां जूनियर डॉक्टरों के साथ बैठक की है। पुलिस आयुक्त ने भरोसा दिया है कि पारदर्शी जांच हो रही है। उन्होंने बताया, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी संजय रॉय वापस अपने घर चला गया था जहाँ वो शुक्रवार सुबह देर तक सोता रहा। उसने जागने के बाद सबूत मिटाने के लिए अपराध के दौरान पहने हुए कपड़े धोए। तलाशी के दौरान उसके जूते मिले जिन पर खून के धब्बे थे। इस वारदात में उसके अलावा किसी के शामिल होने की सबूत नहीं मिले हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरुवार रात से शुक्रवार की सुबह तक ड्यूटी पर मौजूद लोगों से भी बात की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की गई। एसआईटी के साथ फॉरेंसिक यूनिट ने सेमिनार हॉल से नमूने एकत्रित किए हैं। मौका वारदात पर क्राइम सीन रिक्रिएट भी किया गया है। मृतक डॉक्टर के माता पिता को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दी गई है। पुलिस का कहना है कि वो किसी को छिपाने की कोशिश नहीं कर रही है। उधर आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि वे अब तक अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक कि वे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते और उनकी सुरक्षा से संबंधित मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता। पुलिस आयुक्त के साथ बैठक के बाद एक जूनियर डॉक्टर ने कहा कि सभी आपातकालीन और गैर आपातकालीन सेवाओं में काम बंद रहेगा। सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर, हाउस स्टाफ और पीजीटी सुरक्षा भी मांग कर रहे हैं। आरजीगढ़ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उन्हें डिफेम किया जा रहा था। पीड़ित डॉक्टर उनकी बेटी की तरह थी। वो एक अभिभावक के नाते इस्तीफा दे रहे हैं। भविष्य में कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। कोलकाता पुलिस ने एक ACP मुरलीधर शर्मा को भी हटा दिया जिन पर मेडिकल कॉलेज की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी। वो पहले जांच टीम में शामिल थे। इस खौफनाक कांड के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज के चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संजय वशिष्ठ को भी उनके पद से हटाया गया। वो लंबे समय से वहाँ के प्रभारी थे। उनकी जगह अस्पताल की डीन बुलबुल मुखोपाध्याय को जिम्मेदारी सौंपी गई है। शुक्रवार को लेडी डॉक्टर का शव बरामद होने के बाद से ही सुपरिटेंडेंट को हटाने की मांग हो रही थी लेकिन 48 घंटे बाद स्वास्थ्य विभाग ने उनको हटाने का आदेश जारी कर दिया। इस केस की जांच के दौरान कई बड़े खुलासे हुए। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी अपराधी संजय रॉय शराब पीते हुए पॉर्न फिल्म देखने की आदी था। वारदात वाली रात वो अस्पताल के अंदर कई बार आया गया था। आरोपी से पूछताछ, परिस्थिति, साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराध की पुष्टि हो रही है। वो शुक्रवार की रात 11 बजे शराब पीने अस्पताल के पीछे गया, वहाँ शराब पीते हुए पॉर्न फिल्म देखा। इसके बाद सुबह 4 बजे उसे पिछले दरवाजे से चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में दाखिल होते देखा गया। इसके बाद करीब 4:45 बजे उसे सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुए देखा गया था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। पुलिस को ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि आरोपी ने घटनास्थल से खून के धब्बे धोने की कोशिश की थी। वापस घर जाने के बाद उसने अपने कपड़े भी धोए थे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में पुलिस जांच के बाद कई बड़े खुलासे हुए। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी अपराधी संजय रॉय शराब पीते हुए अश्लील फिल्में देखने का आदी था।
वारदात वाली रात वो अस्पताल के अंदर कई बार आया गया था। आरोपी से पूछताछ, परिस्थिति जनाए, साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई सनसनीखेज बातें सामने आई। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को रात 11 बजे आरोपी संजय रॉय शराब पीने के लिए अस्पताल के पीछे गया था। वह शराब पीते हुए पॉर्न फिल्म देखने लगा। आरजीगर मेडिकल कॉलेज के चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में प्रवेश करने के मूल रूप से दो रास्ते हैं, उनमें से एक बंद है जबकि पीछे का रास्ता खुला था। उस रात 4 बजे पिछले दरवाजे से कुल 5 से 6 लोग प्रवेश करते देखे गए। उन सभी से पुलिस ने पूछताछ की। उसके बाद पता चला कि उनमें से कई लोगों के परिजन चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में इलाज के लिए भर्ती है, लेकिन आरोपी संजय रॉय के पास वहाँ जाने का कोई ठोस कारण नहीं मिला था। जांच में भी पता चला कि आरोपी ने अपराध को अंजाम देने के बाद सबूतों से छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की थी। पुलिस को ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि आरोपी ने घटनास्थल में खून के धब्बे धोने की कोशिश की थी। सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाया कि सुबह करीब 4:45 बजे आरोपी सेमिनार रूम से बाहर निकला था। इसके बाद अस्पताल के पीछे बने बैरक में जाकर सो गया था। पुलिस ने उसे उसी बैरक से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय वो पूरी तरह नशे में था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी विकृत मानसिकता का है, क्योंकि वह अपने मोबाइल में जिस तरह के पॉर्न फिल्में देखता था वैसा लोग आमतौर पर देखते नहीं थे। कोलकाता पुलिस लेडी डॉक्टर की अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, हम इस मामले में अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि यौन उत्पीड़न के बाद उसकी हत्या की गई और आत्महत्या की संभावना को खारिज कर दिया गया। रिपोर्ट में पीड़िता के साथ बर्बरता के भी संकेत मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है, पीड़िता की दोनों आंखें और मुंह से खून बह रहा था, चेहरे पर चोटें थी, उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था, उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ, उंगली और होंठ पर भी चोटें हैं। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि परिस्थिति जनाए साक्ष्य इस बात की संभावना का संकेत देते हैं कि गिरफ्तार आरोपी ने पहले महिला डॉक्टर की हत्या की, फिर उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस अधिकारी ने बताया, इस बात का सबूत है कि डॉक्टर अस्पताल के सेमिनार हॉल में अकेली सो रही थी जब उस पर आरोपी ने हमला किया। महिला ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसे गला घोटकर मार दिया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह मर चुकी है, आरोपी ने फिर उसका गला घोटा। ऐसी पूरी संभावना दिख रही है कि हत्या के बाद आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया हो। इस मामले की जांच कर रही पुलिस ने अपराध के दौरान आरोपी द्वारा पहने गए कपड़े और जूते भी जब्त कर लिए हैं। उसके साथ अपराध में कोई और शामिल था या नहीं, इस बारे में अधिकारी ने कहा, अभी तक इसका कोई सबूत नहीं है। अपराध करने के बाद आरोपी घर वापस गया और उसने अपने पहने हुए कपड़े धोए। उसके रहने के स्थान पर तलाशी के दौरान उसके जूते खून के धब्बे के साथ मिले हैं। शुक्रवार को उत्तरी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर का शव मिला था। आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 64 और 103 के तहत केस दर्ज किया गया। उसे गिरफ्तार करने के बाद कोलकाता की एक अदालत में पेश किया गया था, जिसने उसे 23 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वहां उसे पुलिस पूछताछ कर रही है।